मथुरा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा यूपी के मजदूरों को अन्य प्रदेशों में से वापस घर लाने की मुहिम शुरू हो गई है। हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को लेकर हरियाणा की सरकारी बसें हरियाणा यूपी बॉर्डर पर पहुंची। हरियाणा से लगी मथुरा की सीमा पर सभी मजदूरों को गाड़ी से उतार कर हरियाणा से यूपी बॉर्डर में प्रवेश कराया गया, जहां पर कोसी कला की अनाज मंडी में सभी मजदूरों को रखा गया। प्रशासन द्वारा सभी मजदूरों को खाने पीने की व्यवस्था भी की गई थी। इसके बाद सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी की स्क्रीनिंग की। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जो उनको जांच में संदिग्ध लगा उसको अलग किया गया। आपको बता दें कि ये मजदूर मथुरा, आगरा, कानपुर, औरैया, हाथरस, अलीगढ़, ललितपुर आदि जिलों में रहने वाले हैं। अभी और यात्री आने की संभावना है, उनको भी घर उनके पहुंचाया जाएगा। इस संदर्भ में DRM BK शुक्ला से बात की तो उन्होंने बताया कि स्क्रीनिंग के बाद जब स्वास्थ्य विभाग की टीम पूर्णतः संतुष्ट हो जाती है, उसके बाद सभी लोगों को उनके घरों पर भेजा। प्रदेश सरकार की तरफ से कितनी बसें हैं और क्या क्या व्यवस्था है? ये हरियाणा से वहाँ जो उत्तर प्रदेश के निवासी वहाँ क्वारंटाइन थे, उनको वहाँ से मुक्त किया गया है उत्तर प्रदेश जाने के लिए। उनके लिए हम लोगों ने यहाँ बॉर्डर पर 100% व्यवस्था कर रखी है, और वो प्रदेश के जिन जगहों के लिए, जिन जिलों के लिए होंगे, उनके लिए उनको हम यहाँ बसें उपलब्ध कराएंगे। अब तक कितनी बसें आ चुकी हैं हरियाणा? अभी तक हमारे पास एक मथुरा, एक आगरा और एक फिरोजाबाद के लिए 3 बसें आई हैं, और हमने उन तीनों का रिप्लेसमेंट करके तीनों उत्तर प्रदेश की बसें यहाँ से रवाना की। कितने यात्री इसमें आए थे अब तक जो आप ले चुके हैं? इसमें मथुरा की गाड़ी में तो 17 यात्री थे, और बाकी दोनों फिरोजाबाद और आगरा गाड़ियों में लगभग 30 थे। 30 हैं। अच्छा, ये कब तक आएंगे वो यात्री, क्या व्यवस्था बताई गई है? अब ये हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें विलम्ब हो जाएगा, और ये कल दोपहर तक सारा क्लियर। हरियाणा से या कहीं और से भी? सर मैं सिर्फ हरियाणा।